सर मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि वोट का अधिकार इन्होंने हमारे पास रहने कहाँ दिया, हमारा घन छीन लिया, जमीन छीन ली, हमें घर से बेघर कर दिया, हमारे पास वोट का अधिकार है ही कहाँ? अब बताओ कहाँ है? अगर अधिकार होता तो यहाँ क्यों बैठे होते आप? ये बताओ, लिस्ट में तो नाम है ना, नाम लगा रहे नाम, हमारे तो खतौनियों में भी नाम है, आपने विधानसभा चुनाव में भी तो नहीं दिया, हमारी खतौनियों में भी तो नाम है जी। जब इन्होंने हमारे से घर छीन लिया, हमें वहाँ रहने नहीं दिया, वहाँ के बाशिंदे नहीं है, हम वोट कैसे देंगे? आप बताओ, सरकार बताए, जब हमारा वहाँ पर नाम नहीं है, हमारी जमीन नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम वोट क्यों देंगे? बताओ कहाँ से देंगे हम? जो प्रकाश जोशी है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, क्या वो भी आप लोगों के बीच में नहीं आए? आए थे जी, प्रकाश जोशी जी यहाँ आए थे और बातचीत करके गए हैं, पूछ करके गए हैं, लेकिन आए थे। अब तो कोई भी प्रत्याशी यहाँ आएगा जो चुनाव लड़ रहा है। अजय भट्ट जी आए थे क्या? नहीं आए ना जी। अजय भट्ट जी आए थे क्या? नहीं, अजय भट्ट जी तो खैर नहीं आए जी, मगर जो इसका ये 4 साल का पहले का है, जो हमारे यहाँ का नेता था जी, वो उस टाइम बीजेपी में मंत्री जी थे, तो उन्होंने आज तक कहीं भी जब ये डीएम साहब ने हमारे खिलाफ करा तो कहीं भी उन्होंने कोई भी इसका जोर विरोध नहीं करा। बिल्कुल जी, मतलब आप यशपाल आर्या जी की बात कर रहे हैं। मैंने भी बिल्कुल जो है अखबार तक में भी नहीं निकाला कि भाई मैं काश्तकारों के साथ हूँ, मैं भाईपुर वालों के साथ हूँ, डीएम साहब आपने क्यों करा जी। तो ये हमाम में बिल्कुल दोनों पार्टी जो है, बिल्कुल हमारा दोनों पार्टी बिल्कुल कोई साथ नहीं दे रहे। आप बात यशपाल आर्या जी की कर रहे हैं, उस समय भाजपा में थे, मंत्री थे, और आज नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी क्या आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं लड़ रहे। वो देहरादून में उन्होंने एक बार वहां पर प्रोग्राम बनाया था, वो 10 मिनट के लिए वहां बैठे और फोटो खिंचा के और वो अपने घर को चले आए। उसके बाद यहां से 2-1 बंदूक काफी लेके भी गए लोगों को, कहीं कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। इसी भाजपुर के विधायक हैं, भाजपुर के विधायक हैं जी, वो आते नहीं आपके अंदर? कुछ नहीं आते जी। 251 दिन हो गए, कैसा महसूस कर रहे हैं पहले तो ये बताइए, और ये लड़ाई कितनी लंबी जाने वाली है? देखो जी, जब तक ये हम रोज सुबह यहाँ पर सौगंध उठाते हैं कि जब तक ये हमारी खतौनियों में हमें ये हमारा ये नाम दर्ज नहीं करेंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आप मुझे एक बात बताओ, जब हमारा घर इन्होंने छीन लिया, जमीन छीन ली, पहले हम कहीं से आए हुए हैं, उजड़ के यहाँ बसे हैं, हमारी 3-3 पीढ़ियां खत्म हो गई। आप बताओ कि ये सरकार बताए, ये नेता बताए कि हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हम जाएंगे नहीं, हम यहीं मरेंगे, यहीं मिटेंगे और यहीं मारेंगे। वोट ना देकर कौन सी समस्या का समाधान होगा? समाधान हो ना हो, लेकिन हम वोट दें किसको? जो इसमें पक्ष भी विपक्ष सारे ही मिले हुए हैं। अभी भाई साहब ने जैसे बताया कि जिस समय ये काम हुआ था, उस समय यहाँ के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या जी थे, तो उन्होंने ना डीएम को रोका, ना सरकार में कोई वार्ता उठाई। मैं कह रहा हूँ अगर वो उसी समय उस मुद्दे को उठा देते तो सॉल्व हो जाता। गवर्नमेंट भी बीजेपी की थी, मंत्री भी थे, सब कुछ थे, तो लेकिन उस समय नहीं है कि यशपाल आर्या भी किस मुंह से अब कांग्रेस के लिए वोट मांगने के लिए आएंगे? भाजपा का तो हक बनता ही नहीं है, ये इन किसानों का कहना है, ये जितने किसान आप फ्रेम में देख रहे हैं, इन सारे किसानों का कहना है कि आखिर वो वोट दे तो दे किसको? बीजेपी को नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी कर सकती है ये काम को, सॉल्व कर सकती थी, जानबूझ के नहीं किया इन्होंने कि 10 महीने होने को आ रहे हैं हमारे। हाँ जी, बायकॉट कर रहे हैं हम लोग, और बीजेपी को वोट डाली नहीं है बिल्कुल भी हमने। क्यों नहीं डालेंगे बीजेपी? नहीं, ये सरकार काम कर सकती है, क्यों नहीं कर रही है, इसलिए वोट नहीं डालेंगे। सरकार काम नहीं कर रही है? नहीं कर रही, ये वाला काम हमारा नहीं कर रही है। अभी यहाँ के लोग जो कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, वोट देने का मतलब यह है कि इतने दिन हो गए हैं, 251 दिन हो गए हैं, और ये लोग अपने धंधे में बैठे हैं रात दिन, और अपने बच्चों को छोड़ के, और इन लोगों ने देखना चाहिए। वोट ना देना आपको नहीं लगता कि आपके मानवीय अधिकारों का हनन है कहीं ना कहीं? तो हमारा तो मानवीय अधिकारों की बात कर रहे हो, हमारी तो अस्तित्व छीन लिया इन्होंने, हमारा घर, हमारी जमीन। हमारा संविधान आपको ये अधिकार देता है ना कि वोट देकर आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, अपने लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। आप तो उसी प्रक्रिया से भाग जाएंगे तो कैसे काम बनेगा? नहीं, एक बात बताइए, मजबूत किसको करना है? एक बात और है, चलो मान लो बहिष्कार किया इसका, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, बाजीपुर का व्यापारी वर्ग परेशान है, वोट ना देने का निर्णय लिया, लेकिन इस सरकार को कोई चिंता है इस बात की? कोई पूछने आया कि साहब आपने क्यों दिया? वो तो सोच रहे हैं कि चलो कह दिया तो ठीक है, बढ़िया। नहीं, इलेक्शन कमीशन तो पूरा सक्रिय है, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम 100% पोलिंग कराने के पक्ष में हैं, पोलिंग का आंकड़ा भी अब बढ़ाया गया है, और पूरे देश में कैंपेन चलाया जा रहा है वोट देने को लेकर। क्या इलेक्शन कमीशन ने आपसे कांटेक्ट किया कि नहीं किया? नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं करा जी, अभी तक नहीं कांटेक्ट करा। कोई प्रशासनिक अधिकारी, जिलाधिकारी या अन्य नोडल अधिकारी वगैरह कोई आए हूँ? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया आपको समझाने के लिए, बात करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया। और सत्ता पक्ष के लोग भी नहीं आए? ना, सत्ता पक्ष के भी नहीं आए जी। वोट होने तो आने की जरूरत क्या है?
जी, उन्हें आने की क्या जरूरत है भैया, वो तो मतलब वो मान बैठे हैं कि आप उन्हें वोट नहीं देंगे। तो यही मान रहे होंगे वो जी। तो आप आज इतनी उम्र आपकी हो गई, इससे पहले भी आपने कभी बहिष्कार किया या नहीं किया? नहीं किया, कभी नहीं किया। तो अभी ये जो फैसला लिया है, इस फैसले को लेकर आपके अंदर कुछ अंदर चल रहा है, नहीं चल रहा? मैंने आपसे पहले भी बताया कि कुछ लोग हैं कि अभी भी समझ रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट है और ये इसके खिलाफ हम ना बोले और ना हम कहें कि किसी को वोट दे रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन वोट सब नहीं इसके खिलाफ देंगे, ये मेरा अपना विचार है। आज तक ये फैसला है कि हम मतदान नहीं करेंगे। कल कोई परिवर्तन आता है तो आपको और सबको पता चल जाएगा, हम कोई छुप के निर्णय थोड़ी ले रहे हैं। तो यही फैसला वो बापूजी का अपना निर्णय, वो जब सोचे जाएं। वो तो जो भी देखो, हर किसी के विचार हैं, वो अपने विचार तो संयुक्त तो किसान मोर्चा है उसका संयुक्त। लेकिन इस आंदोलन पे, आंदोलन की कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि हम मतदान नहीं करेंगे। 19 तारीख को मतदान है, उससे पहले कोई अगर उसमें परिवर्तन आता है तो स्वाभाविक बात है, वो अलग बात है उसकी। अच्छा, इस फैसले के साथ कितने लोग होंगे, कितने गांव के कितने लोग होंगे, कुछ आंकड़ा होगा कि कितने गांव के लोग? देखो जी, ये 20 गांव के लोग हैं और इसकी आबादी लगभग 50 से 60 हजार है और 30 से 35 हजार वोटर हैं। तो 20 गांव के तकरीबन 50 हजार वोटरों का ये फैसला है संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से कि बाजपुर की 5,838 एकड़ जमीन पर जब तक कोई भरोसा उचित तौर पर नहीं मिल जाता, तब तक वो किसी वोट की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। आप क्या कहना चाह रहे थे जी? हाँ बिल्कुल, यही कहना चाह रहे हैं कि जब तक कोई भी हमारे कोई हमें ठोस आश्वासन नहीं मिलता या कोई बात नहीं होती, तब तक हम बिल्कुल जो है अभी अटल हैं हम कि किसी पार्टी को वोट नहीं देना है। और आगे अगर कोई निर्णय बदलता है या कोई कमेटी सब बैठ के जो विचार बनता है उस बारे में विचार करा जा सकता। सरकार के तरफ से सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आया जहां तक मेरी जानकारी है जी। आप लोग सरकार के पास गए कि नहीं गए? सरकार से शायद हमारे प्रतिनिधियों की दो मीटिंग हुई है, यहां से लोग गए थे। लेकिन जो आपका सवाल है कि हम वोट क्यों नहीं कर रहे हैं, अभी जो 20 गांव के लोग हैं, जो 50,000 आबादी है, वो लोग दिवाली नहीं मना पा रहे हैं, वो लोग होली नहीं मना पा रहे हैं, वोट कैसे दें वो? और बहुत दुखी मन से फैसला ले रहे हैं कि वोट नहीं दे रहे हैं। हर कोई चाहता हम वोट दें, ये एक लोकतंत्र का त्यौहार है। लेकिन इतने टूट चुके, इतने दुखी हो चुके हैं, जिसका घर बिकने को तैयार, घर सरकार छीन रही है, जिसके बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, जिसके घर पे कर्ज नहीं मिल सकता, वो लोग क्या ही वोट दें, क्या ही वोट देंगे जी? बताइए, जब मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो छीनने को तैयार हैं, घर सुरक्षित नहीं होगा, जमीन सुरक्षित नहीं होगा, अस्तित्व और अस्मिता सुरक्षित नहीं होगी, तो वोट देकर क्या करेंगे? जीवन में इससे पहले भी आपने ये फैसला लिया कि वोट नहीं देंगे? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उसका उसके लिए है जी। हमारा ये जो 20 गांव का मसला हल करें, फिर निर्णय लेंगे कहीं भी। इससे पहले आपने हमेशा वोट दिया है? हमेशा दिया है। तो इस बार आपका मन नहीं कसोट रहा कि यार वोट डालने जाना ही चाहिए था? मैं अंदर से दुखी है। लेकिन एक ऑप्शन और भी है उसमें ना, आप वोटिंग मशीन में, कि आप किसी भी राजनीतिक दल को मत दीजिए, अपना वोट किस पे दे दीजिए, आपको पता है? नहीं, तो जैसा हमारी किसान यूनियन निर्णय लेगी वैसा करेंगे जी। हो सकता है हमें किसी भी राजनीतिक दल को वोट ना देने का ऑप्शन भी। हाँ जी, एक नोटा का ऑप्शन होता है। लेकिन अगेन बात यहाँ आती है कि हमारे जो किसान प्रतिनिधि है, हमारी जो कमेटी है, वो जो फैसला लेगी, उस फैसले के साथ हमारे 20 गांव के लोग खड़े हैं, हमारी 50,000 आबादी खड़ी है। हो सकता है नोटा का हम इस्तेमाल करें, मगर जैसे कमेटी का जो निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। विपक्ष अगर इस सरकार को हटाना चाहता है तो विपक्ष को आंदोलनकारियों के साथ खड़े होना चाहिए ना। हम वही तो पूछ रहे हैं कि विपक्ष किस दिन, विपक्ष आज तक रिकॉर्ड में एक बात तो दिखाएगी, किस दिन उन्होंने विधानसभा का घेराव किया इस मुद्दे को लेके, किस दिन मुख्यमंत्री का घेराव किया। तो सब उस टाइम उनके साथ ही था, हमारे साथ ही था, हमारे जो यहाँ के विधायक जी हैं उस टाइम तो उसी पार्टी में थे, बीजेपी पार्टी में थे, और जिनके टाइम पे ये सारा काम हुआ है। तो अब वही अब विपक्ष में है तो हम कहाँ जाएं? देखो जी, बर्ग एक कौ की जमीन मैंने 15 साल पहले यहाँ रजिस्ट्री कराई थी आकर के, और उसके बाद दाखिल खारिज भी हुआ, हमने बैंकों से सारे लोन ले लिए, पूरा घर बार बना करके हम लोग वहाँ पर खेती कर रहे हैं। आज 20 साल बाद इन्होंने हमें उजाड़ने की सोच ली है। अब मेरे साथ में ये मेरे भाई साहब हैं, इन्होंने भी चकलवा से जमीन बेच करके हमारे साथ, हमने यहाँ रजिस्ट्री कराई है। तो अब हम लोग जाए तो जाए कहाँ? अब हम लोग जब तक हमारे को जमीन हमारी पाक साफ नहीं होगी, जब तक हम लोग यहाँ से धरना नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इलेक्शन कमीशन से लेकर राजनीतिक दल और तमाम सारे एनजीओ इस बात की भरसक कोशिश कर रहे हैं कि 100% पोलिंग हो, ज्यादा से ज्यादा पोलिंग हो, लोग जागरूक हों। बावजूद उसके आप ये फैसला ले रहे हैं कि आप 19 तारीख को मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे? हाँ, अभी जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें सारे किसानों ने जी ये तय किया था कि हम
इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा है कि सरकार हमें यहाँ ना तो किसान समझ रही है, इवन आदमी भी नहीं समझ रही, वरना 8 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। और ये ऐसा आंदोलन है, ऐसी डिमांड है इस आंदोलन की जिसको पूरा करने में सरकार का 1 रुपया भी ना तो आर्थिक बोझ पड़ने वाला है, ना सरकार ने अपने पास से कुछ देना है, सारा कुछ किसानों के पास है जो छीना गया है। हमारा कहना कि एक आदेश जारी कर दो कि आपसे छीना नहीं जाएगा। बड़ा सवाल यही है कि चुनाव में, चूंकि लोकतंत्र का महापर्व इसको कहा जाता है और बढ़ चढ़कर सबकी हिस्सेदारी इसमें होनी चाहिए, ऐसे में आपको नहीं लगता कि प्रदेश में सरकार भाजपा की है, केंद्र में सरकार भाजपा की है, कहीं ना कहीं लड़ाई जो है आपकी वो सरकार से है। चुनाव में अगर आप वोट नहीं देंगे तो भाजपा के खिलाफ ही आपको वोट नहीं देना है, तो उससे विपक्ष कमजोर होगा और सत्ता पक्ष मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी तक ये समाधान नहीं किया है जी। एक बार बीच में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी ने इस पर प्रयास किया था, लेकिन वो अधूरा प्रयास था जिसका परिणाम जो है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं रहा, सारे किसानों को फिर उसी स्थिति में आना पड़ा जी। और यहाँ तक हमारा विपक्ष से भी एक ऐतराज है कि जिस तरीके से हमारी लड़ाई विपक्ष को लड़नी चाहिए थी, उस तरीके से विपक्ष ने भी हमारी लड़ाई थोड़ी लड़ी है जी। हमारे इस हम 8 महीने हो गए तो विपक्ष भी कम से कम ये तो बताता कि 8 महीने में कितनी बार विधानसभा का घेराव किया हमारे लिए, कितनी बार मुख्यमंत्री का घेराव किया है, कितनी बार भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री यहाँ पर आए उनका विपक्ष ने यहाँ पर घेराव किया हो, विरोध किया हो। इसलिए ये निर्णय लिया गया था कि वोट ही डालना किसे है, तो फिर अपने घर बैठेंगे। आज 251 दिन हो गए हैं बाजपुर की 5,838 एकड़ जमीन को बचाने की जो लड़ाई है, और इस लड़ाई में ये आंदोलनकारी मानते हैं कि सत्ता पक्ष जितना दोषी है उतना ही दोषी विपक्ष भी है। अब ये कहां जाए, चुनाव है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपका नैतिक कर्तव्य है आपको वोट देना चाहिए, वोट अगर नहीं देंगे तो आप जिम्मेदार नागरिक नहीं है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निर्वहन करें, क्योंकि ना तो सत्ता पक्ष सुन रहा है ना विपक्ष इनकी सुध ले रहा है। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ, अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो बाजपुर के किसानों का ये फिलहाल फैसला है कि वो 19 तारीख को मतदान नहीं करेंगे, इस पर आपकी क्या राय है या आपका कोई सुझाव इन किसान साथियों के लिए है तो वो जरूर साझा करिएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।